परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। चलिए आज राधेपुरी दिल्ली, जहां भारत की राजधानी में हमारे दिगंबर जैन शासन के एक ऐसे संत, आप सभी जानते हैं जिनके बारे में, और पूरा भारत, पूरा विश्व आज यदि जैनों को या जैन साधुओं किसी के नाम से जानता है। महाराज साहब अभी सुबह मुझे बता रहे थे कि जब हम लोग कर्नाटक गए थे पहले, तो जैसे ही हमने कहा जैन मुनि, तो बोले तरुण सागर जी, मतलब आज यदि जैन मुनि शब्द कहीं पर आता है तो निश्चित रूप से सबसे पहला नाम किसका लिया जाता है, तरुण सागर जी। आज चारित्र के शिखर के रूप में बड़े बड़े आचार्य हमारे सामने विराजमान है, आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज, आचार्य भगवंत श्री वर्धमान सागर जी महाराज, आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज, आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज, ऐसे बड़े बड़े आचार्य अभी हम श्रवण बेलगुना में दर्शन करके आए, कितने सारे साधुओं के बीच में। आज यदि जिन शासन को किसी ने जैन जैनेतर विश्व तक पहुंचाया है, तो उसका सबसे बड़ा योगदान मुनि तरुण सागर जी महाराज का है। लंबी बीमारी के बाद आज मैं बड़ा गौरव है बंधु, आपको सच बताना चाहता हूँ, मतलब कई जगह कमियां थी, बहुत कुछ था, लेकिन आज हमें बड़ा गौरव है कि जिन शासन की शरण में आकर तरुण सागर जी महाराज ने जिन शासन का नाम विश्व के पटल पर रख दिया, आज आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जाते जाते भी उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया कि निश्चित रूप से युगों युगों तक ये जिन शासन, ये श्रवण परंपरा और भगवान महावीर की परंपरा, उनका नाम बड़े स्वर्णाक्षरों के साथ लिखित करेगी, स्वर्णाक्षरों के साथ और बहुत सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाएगा। बंधुओं, कई साधु दीक्षा लेते हैं, कई लोग इस मार्ग पर चलते हैं, लेकिन हर एक का जीवन अंतिम समय में महोत्सव बन पाए ऐसा जरूरी नहीं। कितने ऐसे मुनि होंगे, कितने ऐसे श्रवण होंगे जिनका अचानक ही देहावसान हो जाता है, लेकिन समय रहते जिस व्यक्ति ने निर्णय कर लिया, सामने मृत्यु खड़ी है, सामने यमराज खड़ा है, और जिनका जीवन का अंत समय सामने दिखाई दे रहा है, लोग कई प्रकार की बातें कर रहे हैं कि महाराज हम बचा सकते हैं, हम इलाज करवाएंगे, लेकिन उन्होंने स्वयं निर्णय कर लिया कि नहीं, मैं अपनी मुनिचर्या से समझौता नहीं करूंगा, जितना जो होना था सब हो गया, लेकिन अब मैं किसी प्रकार का समझौता नहीं करूंगा, और उन्होंने निर्णय किया। कल आहार चर्या जब उनकी हुई, तो सभी साधुओं के निवेदन पर वो आहार के लिए उठे और दो अंजलि जल ही मात्र ले पाए, और उसके बाद उनको अशक्तता के कारण बैठना पड़ा। उन्होंने समझौता नहीं किया बंधुओं, और आहार चर्या के आने के बाद जब प्रत्याख्यान का समय हुआ, तो सारे साधु संघ के सामने अपनी इच्छा से सहर्ष उन्होंने चारों प्रकार के आहार का त्याग। ये अपने आप में हमारे लिए बहुत गौरव की बात है बंधुओं। हम तो कल से, हम सही बात बताएं, हमारा तो प्रवचन का मन भी नहीं था, और हम कक्षा भी आज सारी स्थगित हमने करी, क्योंकि निश्चित रूप से बंधुओं, ऐसे मनोज्ञ मुनि आगम में ऐसे मुनियों को मनोज्ञ कहा, हो सकता है कहीं कुछ शिथिल हुआ होगा, हो सकता है कहीं कुछ कमी होगी, लेकिन जैन आगम में 10 प्रकार की वैयावृत्ति के पात्र में एक मनोज्ञ शब्द आता है, मनोज्ञा नाम तपस्वी शेष ज्ञान गण कुल संग साधु मनोज्ञा नाम, उसमें मनोज्ञ साधु का अर्थ है कि जो जिन शासन की प्रभावना में जो अग्रसर हुआ है, जो सबसे आगे रहा है, ऐसे मुनि को मनोज्ञ मुनि कहा जाता है। याद रखना, ये जिन शासन, ये श्रवण परंपरा अनंत अनंत भाव तक तरुण सागर जी महाराज की ऋणी रहेगी, क्योंकि उन्होंने जिन शासन की प्रभावना की इसमें नहीं, किंतु सभी प्रकार की बातों के बीच में भी उन्होंने अपने अंतिम लक्ष्य को सिद्ध किया और संलेखना पूर्वक समाधि मरण को प्राप्त किया, और देखिए कितना तीव्र पुण्य, आज उनकी उसी प्रभावना और उसी पुरुषार्थ का परिणाम कि दिल्ली में जहां जहां संत विराजमान थे, सारे संतों ने आकर, बड़ी दुर्लभ बात है कि अंत समय संतों का सानिध्य मिल जाए, अंत समय कोई नमोकार मंत्र सुनाने वाला मिल जाए, अंत समय कोई संबोधन करने वाला मिल जाए, और सबसे बड़ी बात, श्रवण जीवन में संलेखना का एक सबसे महत्वपूर्ण अध्याय होता है बंधुओं, उत्तमार्थ प्रतिक्रमण,
कल शाम को सारे संघ के बीच में उन्होंने उत्तमार्थ प्रतिक्रमण किया और सभी प्राणियों से क्षमा याचना करी, सभी संघ से क्षमा याचना करी और रात में 12 बजे के समय लगभग उनकी हालत नाजुक हुई। उन्होंने जागृत अवस्था में मुनि श्री अरुण सागर जी महाराज जो उनके गुरु भाई है उनको संकेत किया कि अब मेरा समय हो चुका है। मुनि श्री पुलक सागर जी से जब चर्चा हुई तो उन्होंने पुलक सागर जी को भी कहा कि आप अच्छे से रहना और मैं ये मशाल आपको सौंप करके जा रहा हूं क्योंकि अब मेरे जाने का समय हो चुका है। क्या हम लोग कभी ऐसा कर पाए ना कर पाए? हम तो सारी समाज से निवेदन करते हैं, सारे संघों से निवेदन करते हैं कि जीवन में जब ऐसा क्षण आए तो संबोधन जरूर करना। ये बात ध्यान रखना बंधुओं, अब ये पंचम काल है, आयु का कोई ठिकाना नहीं और ना जाने कैसी कैसी स्थिति में कब श्रवण, क्योंकि याद रखना ये श्रवण परंपरा यदि किसी से चल रही है तो आपके सहारे चलते। मैं इसलिए आज आपके सामने बात कह रहा हूं कि साधुओं का उत्थान भी आपके सहारे होता है और साधुओं का पतन भी आपके सहारे होता है। ये पंचम काल है और लगातार श्रवण परंपरा का रास हो रहा है। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि बंधुओं ऐसी कोई भी बातें जो दिगंबर मुनियों की आस्था को ठेस पहुंचाती हो, जो दिगंबर मुनियों के प्रति आस्था को ठेस पहुंचाती है, सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसी बातें शेयर न करें। जिसको जाना था वो तो आज सम्मान के साथ विदा हो गए, गौरव के साथ विदा हो गए और एक ऐसी मिसाल हम सबके सामने कायम करके गए। बड़े बड़े आचार्य जिसमें चूक जाते हैं वो राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज करके गए। आज भले ही क्रांतिकारी उन्हें कहा जाता था लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वास्तविकता में आज वो क्रांतिकारी सार्थक उनका वो नाम हुआ क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बता दिया कि अगर जाना है तो इस तरीके से जाओ। वो कहते थे कि लिखने लायक पढ़ने लायक कुछ लिख जाओ या लिखने लायक कुछ कर जाओ, वो दोनों काम करके चले गए। इतना साहित्य वो जैन समाज और जैनेतर समाज को सौंप करके गए और जाते जाते ऐसा करके जा रहे हैं कि सदियों तक उनके बारे में लिखा जाएगा, कहा जाएगा पूरे भारत में। बंधुओं चाहे वो किसी भी परंपरा का साधु, चाहे वो 13 पंथ परंपरा को मानने वाले हो, चाहे वो 20 पंथ परंपरा को मानने वाले हो, चाहे वो आदि सागर जी की परंपरा को मानने वाले हो, चाहे वो शांति सागर जी की परंपरा को मानने वाले हो, चाहे वो छाणी परंपरा को मानने वाले हो, लेकिन सभी संतों ने बराबर रूप से उनके प्रति अपनी विद्यांजलि, अपना संबोधन और अपनी श्रद्धांजलि वहां प्रेषित करी है। इसी बात से एक बात समझ में आती है बंधुओं कि याद रखना संसार में हमेशा जोड़ने वालों की कीमत होती है, तोड़ने वालों की कीमत नहीं हुआ करती। इससे बड़ा संदेश और इससे बड़ा मैं समझता हूं कोई उपदेश जैन समाज को नहीं मिलेगा कि तरुण सागर ने जीवन भर सुई बनने का काम किया, कभी कैंची बनने का काम नहीं किया। और हम संत हमारे सामने वो एक मिसाल कायम करके गए हैं कि अंत तो जब आएगा तब आएगा, पता नहीं कैसा आएगा, लेकिन जो वर्तमान है हमारा जीवन जो वर्तमान में चल रहा है हम समाज को जोड़ने का प्रयास करें, एक मुट्ठी में बनने की कोशिश करें क्योंकि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो आपके कल इसी सभा में यहाँ पर प्रवचनों के समय 8:30 बजे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन यहाँ पर किया गया है। संभवतः हमारे निकटस्थ मुनि श्री शुभम सागर जी महाराज गोरेगांव से भी यहाँ पर पधारेंगे। और आप सभी कल रविवार का दिन याद रखें कि कोई भी श्रावक, कोई भी युवा और कोई भी युवती कल के दिन ना कोई पिकनिक मनाने जाएंगे, कल के दिन ना तो किसी प्रकार की पार्टीज में जाएंगे क्योंकि ये मुंबई है और बड़े शहरों में सैटरडे नाइट चला करती है। कम से कम हम कुछ नहीं कर सकते, जाने वाले को रोक नहीं सकते बंधु, ये तो पक्का है जो आया है सो, लेकिन कम से कम आज के दिन इतना संकल्प करें कि आज हम किसी भी प्रकार की भौतिक क्रियाओं में नहीं फंसते हुए ये मुनि महाराज को, तरुण सागर जी महाराज को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कल हम सब सुबह यहाँ पर युवा बाल वृद्ध सभी उपस्थित हों और उनकी श्रद्धांजलि सभा का विशाल आयोजन हम यहाँ पर करेंगे और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आप सभी निश्चित रूप से स्वयं अपने इष्ट मित्रों के साथ, समाजजनों के साथ यहाँ पर उपस्थित हो जिसमें हम मुनि श्री तरुण सागर जी के प्रति यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करें। हमारा उनको अनंत बार नमन है, वो बहुत शीघ्र अतिशीघ्र पुनः इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके और शिव रमणी का वरण करें। दिगंबर पराकाष्ठा
संलेखना समाधि वर्ण को उन्होंने प्राप्त किया और जैन शासन के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से इतिहास लिखा गया। निश्चित रूप से वे हम सभी की श्रद्धा के पात्र हैं, उनके प्रति हमारा संघ अपना हमारे समाज पूरी विद्यांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जब तक सूरज चांद रहे तब तक मुनिषि तरुण सागर जी का नाम रहे। बोलिए मुनिवर्ष तरुण सागर जी महाराज की हम तीन बार नमोकार मंत्र पढ़कर उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो नमो अरिहंताणं नमो सिद्धानं नमो आयरियाणं। बोले मुनिवर्षि 108 तरुण सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर्षि अभिनंदन सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। जिन वाणी के ज्ञान से सूचे लोका।